हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक पर, जो कि ये टॉपिक होने वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग। इसमें मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल देखेंगे इस वीडियो को, और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इस बात के लिए है क्योंकि जो आप लोग का सत्र 2022-23 स्टार्ट हो चुका है, और इस सत्र के दौरान आप लोगों का जो है एग्जाम, फाइनल एग्जाम तो 2023 में होगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये जारी किया है एमपी बोर्ड ने कि आप लोग का जो एग्जाम है उसमें आप लोगों के जो त्रैमासिक और छमाही के परीक्षा है उसके भी अंक जोड़े जाएंगे। कक्षा 10वीं एवं 12वीं वाले छात्र विशेष रूप से ध्यान देंगे। 9वीं और 11वीं के ऑलरेडी पहले से त्रैमासिक और छमाही में नंबर जोड़े जा रहे हैं, लेकिन कक्षा 12वीं और 10वीं वाले भी ध्यान देंगे कि आप लोगों के भी जो नंबर हैं वो अब जोड़े जाएंगे आप लोगों के कक्षा 10वीं 12वीं में त्रैमासिक और छमाही के कुछ नंबर। अब कितने परसेंट जोड़े जाएंगे इस पर बात करते हैं। तो चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अपन स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री, यहाँ पे स्टार्ट मैंने कर दिया। और भी जो सब्जेक्ट आप लोग को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो वो भी आप स्टार्ट कर दूंगा। उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार बता जरूर दीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं का जो बहुत जल्द अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से आप लोग को लगभग मैथ के सब डेली के डेली वीडियो पर डे मिलेगा, लाइव क्लास पूरा, और आप लोग के जो भी साइंस एंड जो भी अदर सब्जेक्ट है सब वीडियो वाइज आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट ये बताने वाला हूँ, कक्षा 12वीं एवं 10वीं वाले ध्यान देंगे कि आप लोग का जो है जो त्रैमासिक परीक्षा है वो लगभग देखिए अभी चल रहा है जुलाई, और लगभग जुलाई आधा हो चुका है, आधा से ज्यादा हो रहा है, और इसके बाद बचा है अगस्त, और अगस्त के बाद जस्ट जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को अभी वार्षिक पर कोई फोकस नहीं करना है और छमाही पर कोई फोकस नहीं करना है, सीधा आप लोग का जो फोकस है वो आप लोग को त्रैमासिक पर रखना है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा पर ही आप लोग के अभी नंबर जुड़ने वाले हैं। तो त्रैमासिक परीक्षा यदि आप लोग के अच्छे रहेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो बेहतर रूप से आप लोग अपने जो है छमाही और अर्धवार्षिक इसमें, और आप लोग के यदि प्री बोर्ड होगा तो उसका भी कोई वो नहीं है जिक्र, लेकिन जो वार्षिक होगा उस पर अच्छा परिणाम आ जाएगा। तो बिल्कुल देर किस बात की, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, जहाँ भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन भी पढ़िए ऑनलाइन भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर पढ़िए। और जो भी जितना हो सकेगा आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में मिलता रहेगा। और यहाँ पे बता देता हूँ कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो है लगभग 5% यहाँ पे सरकार ने घोषणा किया है कि 5% जो है वो आप लोगों के वार्षिक पर जुड़ेंगे, यानी जो फाइनल एग्जाम होंगे उस पर जुड़ेंगे। तो इसलिए अभी तक आप लोग ज्यादा फोकस नहीं करते त्रैमासिक छमाही पर, बना तो ठीक है नहीं बना तो ठीक है, लिख कर नहीं आते थे, लेकिन आप लोग के जितने भी नंबर होंगे उस पर आप लोग के वहाँ पे नंबर जुड़ेंगे। तो इस बार बिल्कुल आप लोग को ध्यान देना है और अच्छे से बिल्कुल कॉपी लिखना है और तैयारी अच्छे से करना है। हाँ, तैयारी कैसे करना है वो चीजें मैं बिल्कुल बता दूंगा, एक वीडियो ऐसा आएगा आप लोग को जिसमें आप लोग को बिल्कुल फुल मोटिवेट कर देगा। तो बिल्कुल आप लोगों को बस तैयारी करना है और एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अब सभी चीजें दूर कर दीजिए, साइड कर दीजिए, केवल आप लोग का जो फोकस है वो पढ़ाई पर होना चाहिए। 100% आप टाइम दीजिए उसको। आप कोचिंग पढ़ते हैं अच्छी बात है, स्कूल में पढ़ते हैं अच्छी बात है, या फिर खुद से पढ़ते हैं, या फिर कोई नोट से पढ़ते हैं, या फिर आप लोग किसी के ऑनलाइन क्लास से पढ़ते हैं, या फिर आप एबीएस क्लासेस से पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि आप लोग का जो भविष्य है वो आप लोग के हाथ है, कोई यहाँ पे काम नहीं देने वाला। फाइनल एग्जाम तक आप लोग वेट करते रहते, पेपर मिलेगा, मेन पेपर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अफवाहों पर दूर रहे, अफवाहों से दूर रहे। बहुत लोग का जो सप्लीमेंट्री आया है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग का भी जो सप्लीमेंट्री का जो था रिजल्ट वो बहुत जल्द आने वाला है, तो वो आप लोग भी देख लीजिएगा। इसके बाद बता देता हूँ कि जो रुक जाना नहीं वाले हैं, देखिए ये सब चीजें दिन नहीं देखना पड़ेगा यदि आप लोग अभी से मेहनत कर लोगे तो जो रुक जाना नहीं में फॉर्म डाले हुए हैं उनके भी रिजल्ट आने वाले हैं, और रुक जाना नहीं के नेक्स्ट जो है फॉर्म डाल रहे हैं, तो आप लोग जाके जो भी और संबंधित छात्र हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन नए छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बिल्कुल आप लोग तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए अच्छे से, अच्छे मार्क्स लाइए और अपना नाम रोशन कीजिए और बिल्कुल बेहतर कॉलेज पाइए और आगे करके कुछ अपनी लाइफ को सेटल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो आप लोगों के जो है, देखिए जो जैसे 12th केमिस्ट्री है तो इनमें से जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उनको अपन को नहीं पढ़ना है, वो ना तो त्रैमासिक में आएंगे, ना छमाही में, ना वार्षिक में, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आप लोग जैसे केमिस्ट्री में मैंने जो चैप्टर फर्स्ट था 12th में
तो चैप्टर फर्स्ट को मैंने हटा दिया, डायरेक्ट चैप्टर सेकंड से अपन स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो अपलोड भी हो चुका है और अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द फटाफट आएंगे। डेली एक से दो वीडियो आएंगे एक सब्जेक्ट के, तो आप लोग बिल्कुल बेहतर रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और जो वीडियो रहता है, वीडियो का जो है वो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल या फिर यहाँ पे जो लिंक दिए रहते हैं वहां से हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपनी समस्या को बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।